आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं मुंशी आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज के किसी खास खबर पर। बेगूसराय में विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड के द्वारा लगातार 22 तारीख से बूथ स्तर पर बैठक की जा रही है। नगर निगम के वार्ड 13 फैज अहमद फैज जी के प्रांगण में जिला जनता दल यूनाइटेड बेगूसराय महानगर के द्वारा आयोजित सबल पंचायत सक्रिय बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान की समीक्षा बैठक हर्रत सेक्टर अध्यक्ष फैज अहमद फैज जी की अध्यक्षता में हुए एवं उनके द्वारा सभी साथियों को कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क बांटे गए। सेक्टर प्रभारी अरविंद राय जी ने बैठक का संचालन किया। महानगर अध्यक्ष मुकेश जैन ने कहा कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी प्रवासी श्रमिकों के कल्याण हेतु विशेष रूप से भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों को बिहार में उद्योग लगाने का निवेदन किया है। किसानों के लिए भी कृषि रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से हर खेत तक बिजली एवं पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। बिहार में जो बांगर के साथी आए हैं उनके स्केल के हिसाब से स्थानीय सरकारी योजनाओं में रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। जल जीवन हरियाली के द्वारा, हर घर जल के द्वारा, मनरेगा के द्वारा, रोड भवन निर्माण के द्वारा, जिस साथी ने जो भी काम करने की क्षमता है उसके हिसाब से उनको रोजगार दिया जा रहा है और बहुत सी कंपनियां द्वारा कारखाने लगाए जा रहे हैं, जिससे सभी बिहार वासियों को रोजगार बिहार में ही मिले, बिहार वासियों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। कृषि में किसानों के लिए नई नई योजना आ रही है, जो बिहार के किसान की आमदनी बढ़ाई जा सके और बिहार के किसान जैविक उत्पादन पर ध्यान दें और उनकी आमदनी बढ़े। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट।